हेलो फ्रेंड्स, मैं अनप्रिया, वेलकम टू माय देसी कुकिंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चुन्नी की लिट्टी। आपने प्लेन लिट्टी खाया होगा, बट ये थोड़ा अलग बनता है और इसको कैसे बनाते आज मैं बताऊँगी। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप कटा हुआ प्याज का पत्ता, एकदम बारीक मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े टेबल स्पून से मैंने लहसुन लिया है, वो भी एकदम बारीक काट लिया है। थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है और हरी मिर्च है 2, मैंने हरी मिर्च एकदम बारीक काट लिया है। थोड़ा सा 1 चम्मच जो है मैं काली मिर्च ली हूँ और नमक टेस्ट अनुसार आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये मैंने खड़ा जीरा लिया है 2 टेबल स्पून और यहाँ पे अजवाइन है 1 टेबल स्पून, हींग है और ये गेहूँ का आटा मैंने लिया है 1 कप और ये परथन के लिए मैंने आटा लिया है और ये मूंग दाल है, इसको मैंने मिक्सर में डाल के थोड़ा सा सूखा मूंग दाल है इसको मैंने जो है पीस लिया है हल्का दरदरा ऐसा। और ये चना दाल है 1 कप, इसको भी मैंने डाल के अच्छे से दरदरा पीस लिया है। ये कटा हुआ लहसुन डाल दूंगी और ये मैं अजवाइन डाल दूंगी, हरी मिर्च है कटा हुआ, थोड़ा सा काली मिर्च और ये जीरा डाल दूंगी, जीरा बहुत ही टेस्ट बढ़ाता है इसलिए आप थोड़ा सा डाल दीजिए। और ये नमक डालूंगी मैं और इसमें मैं ये प्याज के पत्ते डालूंगी, ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसको ऐसे मिला लीजिए। थोड़ा सा इसमें हींग डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिलाने के बाद आप इसमें ये जो मूंग का दाल है वो मिला दो। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं ये चना वाला डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो आप उस थोड़ा अपने अंदाज के अनुसार से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से एकदम मिलाना है और इसको एकदम लिट्टी की तरह जो आटा होता है वैसे ही इसको बना लेना है। ऐसे ही कूद कूद के इसको एकदम सॉफ्ट आटा बना लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा अच्छे से आटा, मैंने जो भी सब मसाले आपको बताए वो सब डाल के मैं अच्छे से गूंथ ली हूँ। इसको मतलब 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए नहीं रखना है, गूंथने के बाद आप तुरंत बना सकते हैं। एक बहुत ही टेस्टी होता है और खाने में भी काफ़ी स्पाइसी और ज़्यादा नहीं होता है इसको, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको क्या करना है, हाथ में ऐसे पत्थर लगा लो और ऐसे थोड़ा सा चकली पे भी लगा के इसको एक बड़ा लोई लो इतने बड़े लेके आप इसको हाथ से फिर ऐसे ऐसे करके गोल गोल आप इसको फिर चपटा करके इसको जो है ऐसे हथेली से करने के बाद आप इसमें परथन बहुत अच्छे से लगा लो और इसको बेलन की सहायता से आप थोड़ा सा बड़ा बेल लेना है। देखिए ऐसे ही बनाना है इसको और बेल के बस इसको जो है मैंने यहाँ पे तवा गरम किया है उस पर मैं डाल दूँगी और इसको जो है लो फ्लेम पे ही अच्छे से बनाना है कि ये चुन्नी की लिट्टी जो है अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि पक जाने के बाद ये कैसे लगती है। आपको इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ देंगे, इसको ऐसे ऐसे ही पलट पलट के सेक कर जब ये अच्छे से हो जाए तो इस पर आप देसी घी ऐसे लगा दें, थोड़ा अच्छा लगता है। इसको इधर से भी ऐसे देसी घी लगा के आप इसको अचार के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। आप चटनी अचार से खा सकते हैं। तो देखिए ये मैंने अच्छे से इसको सेक लिया है और ये एकदम हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा घी लगा दी हूँ तो इसको भी ऐसे जो है बस एक प्लेट में निकाल लेना है। देखिए ये ऐसा बन जाता है
और बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी हेल्दी होता है। इसमें मैंने मूंग का जो डाला है बताया है सारा सामग्री, तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया रेसिपी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले।